जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जांच के दौरान पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कई संदिग्धों द्वारा बोतल में पेट्रोल ले जाने का वीडियो कैद हो गया है। बता दें, जिलाधिकारी के अनुसार बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी पंप मालिक ने कई युवाओं को पेट्रोल बेचा है। बता दें, यूपी के कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां एक ओर कमिश्नरेट पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, वहीं जिला प्रशासन भी इस मामले में बेहद गंभीर नजर आ रहा है। दरअसल 3 जून को उपद्रवियों द्वारा पथराव करने के साथ साथ पेट्रोल पंप फेंक कर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया गया था। पेट्रोल पंप के लिए बोतलों में पेट्रोल कहां से आया, इस बात की जांच शुरू हुई तो पता चला कि शहर के डिप्टी पड़ाव स्थित पेट्रोल पंप से उपद्रवियों ने बोतलों में पेट्रोल खरीदा था। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जांच के दौरान पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कई संदिग्धों द्वारा बोतल में पेट्रोल ले जाने का वीडियो कैद है। जिलाधिकारी के अनुसार बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पंप मालिक ने कई युवाओं को पेट्रोल बोतल में बेचा है। प्रथम दृष्टया मामले में लापरवाही बरतने पर पेट्रोल पंप को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जे में लेकर कमिश्नरेट पुलिस को सौंप दिया है। बेकनगंज और परेड स्थित जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी एक विस्तृत जांच हम लोगों ने डीएसओ की टीम से कराई है। डीएसओ की टीम ने कुछ फुटेजेस रिट्रीव किए हैं, उनको पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस इसमें आगे की जो जांच है, इंक्वायरी है, वो कर। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।